हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एंड एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, नेपाल ने किया गाइस चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट। अक्सर आप लोग सुनते होंगे और हमेशा किसी न किसी कारण से चर्चा में होता है। और नेपाल गाइस इनका पार्ट पहले से ही था और इसी में कुछ इम्प्लीमेंटेशन होने वाला था जिसे नेपाल रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट किया और इंडिया के लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ना बीआरआई प्रोजेक्ट वो चीन का है। और चीन का प्रोजेक्ट आगे बढ़े तो शायद हो सकता है पड़ोसी देश को पसंद आया है और पड़ोसी देश हम भी एक है। आप लोग जानते हैं कि इंडिया और चीन का रिलेशनशिप कैसा है यहाँ पे। खैर, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए नेपाल के बारे में, लेकिन आगे डिस्कस करेंगे काफी कुछ। यहाँ पे मैं हूँ रितेश सिंह गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एंड सो यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल स्टेप बैक फ्रॉम चीन बीआरआई प्रोजेक्ट। यहाँ पे हालांकि इनके बारे में पहले से ही चर्चा चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 16 नेपाल और चीन डीसीएम मीटिंग होने वाला था। अच्छा, डीसीएम मीटिंग मतलब डिप्लोमेटिक लेवल का मीटिंग होने वाला था, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर होता है ना, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, इन दोनों के बीच में आपस में बात होते हैं। और सुनने में जा रहा था कि इस मीटिंग के दौरान है ना जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन होने वाला था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और ये जो चीन सोच रहे थे कि हम चलो बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए हम नेपाल को भी जोड़ लेते हैं और नेपाल में भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते, लेकिन हो नहीं पाया था। हम बात करें नेपाल के बारे में तो साल 2017 में ही बीआरआई प्रोजेक्ट का मेंबर था यहाँ पे नेपाल, लेकिन इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन होने वाला था, हो नहीं पाया। 2018-19-20 में होने वाला था, लेकिन 20 में हो नहीं पाया था। लेकिन ये मीटिंग जब कल हो रही थी तो सोच रही थी इस दौरान चलो हम कर लेंगे, तो चीन की ओर से ये बराबर फेलियर देखने को मिली और चीन को आ रहा होगा गुस्सा, यार बीआरआई प्रोजेक्ट का हम क्यों नहीं मेंबर बना पा रहे हैं नेपाल को यहाँ पे। हालांकि नेपाल को काफी ज्यादा भारत सरकार के साथ लेके भारत के आम जनता भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करके, भाई चीन के चक्कर में मत पड़ो, चीन के चक्कर में पड़ोगे तो श्रीलंका का जैसा हाल हुआ हो सकता है तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा। रिसेंटली गैस 2 एयरपोर्ट डेवलप किया गया था चीन के द्वारा, और 2 एयरपोर्ट जो डेवलप किया गया था दोनों ही नुकसान देखने को मिला था यहाँ पे। और ये इनका भरपाई नेपाल को अभी भी करना पड़ रहा है, जिसमें काफी लॉस की सामना करना पड़ा। हो सकता है इनका प्रोजेक्ट बन जाए और इस प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल को और भी भरपाई की सामना करना पड़ जाए। खैर, ये प्रोजेक्ट है क्या, तो गैस इस प्रोजेक्ट की स्थापना साल 2013 में किया गया था और अभी काफी सारा कंट्री इनका पार्ट भी हो चुका है यहाँ पे, लगभग 150 से ज्यादा कंट्री इनका पार्ट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में होता है क्या है, तो गैस इस प्रोजेक्ट को थोड़ा मैप की जगह समझ लीजिए। तो मान लीजिए गैस ये चीन है पर, और आप लोग को मालूम है कि अगर ग्लोबली देखें तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, काफी सारा सामान है ना चीन अलग अलग देश में सप्लाई करता है। और बीआरआई प्रोजेक्ट का अगर मेंबर हो जाता है ना, सपोज ये सब बीआरआई प्रोजेक्ट का मेंबर है, अब चीन क्या करेगा, रास्ता सड़क का हो या जहाज के रास्ता से हो, जो भी रास्ता हो, रेलगाड़ी रास्ता हो, जो भी रास्ता से, वो सामान एक रास्ता से दूसरे से इजी और आसानी से पहुंचा सके, इसीलिए इस प्रोजेक्ट की स्थापना किया गया है। तो काफी सारे सदस्य बनते जा रहे हैं और देखिए जो जो सदस्य नहीं बनता ना, अब पहले तो पोलाइटली बोलता है कि ठीक है आप बीआरआई प्रोजेक्ट का मेंबर बन जाओ, मेरा देश से जो भी सामान आता है चला जाएगा। लेकिन जो देश नहीं बनता है उनको लोभ देता है कि भाई जैसे कि बीआरआई प्रोजेक्ट के अगर मेंबर बनेगा तो उसमें सड़क वगैरह तो चाहिए, तो खर्चा तो आएगा, तो उस खर्चा को कौन देता है, चीन देता है। ठीक है हम आपको खर्च देंगे, हम आपके जो भी इंटरनल पार्ट है एयरपोर्ट डेवलप कर देंगे, सड़क डेवलप कर देंगे, काफी कुछ जितना फंडिंग चाहिए वो लो, लेकिन बीआरआई प्रोजेक्ट का मेंबर बन जाओ। क्योंकि एक देश अगर बनेगा तो फिर एक देश से अगर एग्रीमेंट हो गया तो फिर दूसरा देश, फिर तीसरा देश, चौथा देश, पूरा अगर हम देखें तो यूरोप हो, एशिया वाला पूरा ये वाला पार्ट में क्या सकता है चीन राज कर सकता है, क्योंकि सब इसी का पार्ट है और इसका पूरा कंट्रोलिंग चीन से जाता है यहाँ पे। और रिसेंटली इटली ने क्या कहता है, जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उनका सदस्यता खत्म कर लिया कहता है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट का नीति ही ऐसा है, पहले वो आपको पैसा देगा, आपने झांसा में लेगा और फिर आपको फंसाएगा और फिर आपसे इंटरेस्ट रेट इतना लेगा ताकि आपको इतना तो मान चला आपका इनकम भी नहीं है बीआरआई प्रोजेक्ट के नाम पे। सो ये सब काफी सारे देश में देखा हुआ, ये फेल होते जा रहे हैं, लेकिन जो भी होगा आगे हम और भी कुछ आप लोग के बीच लेके आ करेंगे। सो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हमें सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू।